ओ भाई काफी अच्छा बनाया ना। जय श्री राम। लेट्स गो। जय श्री राम बोल के अंदर चलते। तो आज बहुत समय बाद मैंने प्री वर्कआउट लिया और वो भी विदाउट कैफीन है, तो आई एम ट्राइंग आउट कि कैसा है वो। तो आज हमारा बेंच है, प्राइमरी बेंच, और डेडलिफ्ट का वेरिएशन है। डेडलिफ्ट का वेरिएशन मुझे अब कुछ भी मार सकता हूँ मैं, पॉज ले सकता हूँ, पॉज क्योंकि मैंने लिया था ऑलरेडी, चाहूँ तो मैं उसको भी ले सकता हूँ, या तो मैं ब्लॉक पुल ले सकता हूँ, या तो चेन डेडलिफ्ट, या फिर ऐसी कुछ, इन सब में से चीज़ें कुछ ले सकते हैं अपन। तो लेट्स सी क्या लेते हैं यार। ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे अगर समझा सकता है तो सही रहेगा, क्योंकि इस साइड ये लगा है और उस साइड भी वैसे ही लगा है। आई मीन बैलेंस करने के लिए ठीक है, पर ये क्या है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। कोई समझाए तो प्लीज़ कॉमेंट। मैंने दोनों साइड बैंड लगा दी है सो दैट ये एक तरीके से कैसे बोलते हैं चेन डेडलिफ्ट की तरह हो जाएगा, मतलब वैसा करेक्ट नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो रेजिस्टेंस बैंड है उसका लोड बढ़ते जाएगा, वो और स्ट्रेच होगा, तो ऑफ कोर्स उससे आपकी जो लॉकआउट की वो है वहाँ पर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, समझो। एक और मारूंगा अभी। ओके ये है 145 केजी और इसका हमें एक ही रैप लेना है, बट 145 केजी बस प्लेट्स और रॉड मिला के, वो रेजिस्टेंस बैंड का मैं नहीं कर रहा हूँ। सो ये है, वी गोना ट्राई हुक ग्रिप एक बार के लिए। बहुत चौक लगाना पड़ता है यार इसमें। नहीं लगा था क्या? रेजिस्टेंस बैंड नहीं लगा। एक और लेते हैं, एक साइड रेजिस्टेंस बैंड नहीं लगा था। टेन टेन केजी और कम करेंगे, 126 में 5 रेप निकालेंगे इसका। नाउ 120 केजी का हमें लेना है 5 रैप फिर से। पाँच भैया बोलते हैं कि कन्वेंशनल में हार्ड है थोड़ा, बट मैं सोचा इनको कन्वेंशनल की स्पीड दिखाता हूँ। इजी है ब्रो, मेरी कन्वेंशनल एज कम्पेयर टू सुमो ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए इस सेट का मैं लेने वाला हूँ, मतलब ये
दो सेट होने वाले थे 6-6 रैप के, पर मैं एक ही बार में सोच रहा हूँ 12 रैप ले, थोड़ा इंटेंस बनाते हैं। 110 केजी है। अभी मेरा वाइड ग्रिप पुलअप है एक सेट डेंसिटी के साथ, 8 रैप्स लूँगा मैं, फुल इंटेंस बनाएंगे उसको, और बेंच थोड़ा बाद में करेंगे, भैया बैक मार रहे हैं तो साथ में कर लेते हैं। टेम्पो टू मोर, मजा आ गया यार, बैंक वालों को कॉल आ गया था। ओके कंसंट्रेट करते हैं। पिछले वाले जिम में ना इसमें स्ट्रेच नहीं मिलता था, ये यहीं पे आके ख़त्म हो जाता था, ये पूरा यहाँ तक जाता है, लाइक और स्ट्रेचिंग है मेरे पास यहाँ पे, और स्ट्रेच है मेरे पास, तो सही है। इसको लेते Thank you.
ये एक्सरसाइज में एक अलग ही मज़ा आ जाता है भाई, क्या स्ट्रेच मिलता है और फील आता है। फुल फेलियर मारेंगे ठीक है, अपने 3 सेट होने वाले हैं। हाँ वेट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, बाय बाय। यह है उपमा और अभी मेरे को अपनी फ़ोन की पूरी स्टोरेज खाली करनी है, इसमें डालूंगा देन इससे हार्ड ड्राइव में डाल दूंगा क्योंकि मेरी फ़ोन की स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं बची है, अपडेट्स आए हैं अपडेट भी नहीं हो पा रहे हैं। सो उसको मैं कर लेता हूँ जल्दी से।